कांग्रेस जो है इस बार जमीन पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेसी नेता जमीन पर बैठे हुए हैं, जमीन नहीं देता है। इनसे बात करेंगे, रावत जी का इंतजार कर रहे हैं। रावत जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं यहाँ पर। वीरेंद्र जाति जो झबरेड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे इस तरह से जमीन को तैयार में? कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो पहले से और हमेशा जमीन कार्य करती है, और कांग्रेस की जमीन जो है बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं 2017 में झबरेड़ा से बीजेपी के देशराज कर्णवाल विधायक को उनका विरोध देखने को मिला, उनका टिकट इसलिए कट गया, क्या कहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? 2017 में सबसे ये देखा होगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को विधायक झबरेड़ा जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, सर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। कहीं ना कहीं लोगों ने समझा था कि अपनी बार झबरेड़ा बहुत ही झबरेड़ा बहुत ही सरकार है के अलावा कुछ नहीं कर पाई से पिछड़ गया। जुमलेबाजी की है सरकार ने, ममता राकेश जी जो 7 साल से भगवानपुर में विधायक हैं, इस बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने जा रही हैं। बात करते हैं, क्या कहेंगे जी? देखिए, जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भगवानपुर विधानसभा के सम्मानित जनता के साथ सौतेल और पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का काम किया, निश्चित रूप से इस चुनाव में भगवानपुर में सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और कांग्रेस के जाएगी। आप दोनों प्रचार कर रहे हैं जाकर, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या लोगों की समस्याएं सामने आ रही हैं जो 2017 से 22 तक बीजेपी की सरकार में आप नहीं करवा पा रहे? देखिए, 2017 में मैंने भी आपको बताया कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत कराए गए थे अपनी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार तो इनका शिलान्यास भी हो चुका था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन सभी कार्यों को ठंडे बिस्तर में सरकार के द्वारा डाल दिया गया था, जिनमें प्रमुख रूप से जो प्रमुख समस्याएं भगवान से क्या पूरे प्रदेश की जनता की जिन्हें इस भारतीय पार्टी के सरकार के द्वारा लक्ष्य किए गए, सबसे पहले तो हमारे कुछ साथी हैं जो हमारे राशन कार्ड में और जिनके राशन कार्ड में उनमें से यूनिट कार्ड महंगाई के मार्ग में और युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारी पार्टी ने सम्मानजनक फैसला किया है कि युवाओं को 4 लाख युवाओं को रोजगार देने किसानों के दर्द को हमने समझा, हमारी पार्टी ने समझा किसानों को पहले साल। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री क्या हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बना दिया विधायक भगवानपुर चौधरी यशीर जो 2 बार से झबरेड़ा से विधायक रहे, इकबालपुर सीट कही जाती थी पहले, ये उसका परिसीमन के बाद ये एसटी समाज की सीट हो गई, अब कांग्रेस के साथ खुलकर आ गए हैं, अभी पहले भाजपा में थे अब कांग्रेस ज्वाइन किए, इनसे आने से कितना फायदा मिला है चौधरी साहब, क्या कहेंगे कितना फायदा मिला है कांग्रेस को? ये तो जनता बताएगी कितना फायदा मिला। और मैं आपको बात बता दूं, एक बेटा बैठे, एक बेटी बैठी, दोनों बैठे 14 तारीख में रिजल्ट के बाद। हमने तो आज से विधायक डिक्लेयर कर दिया, तीसरा निजामुद्दीन जीत रहा। लड़के के लिए तो कभी हरा करेगा वो तो छोड़ दो, हमारा तो किसी से वो भी ना मुकाबला, हम तो बहुत आगे चलते। भाजपा में है वो भी राज्यपाल जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं,
उनको जीत दिलवाने की बात कर रहे हैं। ये उनके जीत उनका उनके विचार उनके साथ हैं, मेरे विचार उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं परिवार में बिखराव आपस में हो जाता है पार्टियों के नाते। पिछले साल भी वो हारते अगर मैं खानपुर ना होता, और अब का तो मैं यहाँ हूँ, खुल का हूँ। गुजरों के किसी गांव में मेरे दोनों बेटा बेटी नहीं हारे, मैं आपको सही कह रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, राजपाल जी जो अब तक जो है 12 साल से भाईजान 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 करते थे, अब श्री राम कर लेंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? तो आप उनसे ज्यादा पूछिए, उनसे ज्यादा पूछिए। बाकी ठाकुर चमार है, वो कहाँ जीत रहा, किसकी बात कर रहे हैं? बेटा जीत रहा 15,000, बेटी जीत रही 15,000। जिनका साफ तौर से कहना है के भगवानपुर, झबरेड़ा और मंगलौर सीट तीनों वो जिताकर भेजेंगे, भारी मतों से जिता के भेजेंगे। अब ये आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा कि ये सीट जीत पाती है कांग्रेस या नहीं। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद असीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, भगवानपुर।